इस दुनिया की तखलीक रंगों, जुजियात, तवाजुन, रब्त और फितरी लकीरों की तकसीम से मुजयन है और पाकिस्तान इसका मुंह बोलता सबूत है। कुदरत ने इंसान को उसके गिर्दोनवा में ऐसे रंगों और ऐसे अज्जा से नवाजा है जिनकी खूबसूरती इंसान में घर कर जाती है और इसका एहसास इस कदर गहरा होता है कि इंसान की रूह का हिस्सा बन जाता है, जिसका इजहार वो कुदरत की तरफ से अता की गई फनी सलाहियतों के जरिए करता है। हम मुसव्विर हैं जो जज्बात कलम करते हैं। आर्ट या फन बुनियादी तौर पर रंगों, लकीरों और तस्वीर के जरिए अपनी फिक्री तख्लीकी सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए अपने फनपारों की सूरत उन तमाम जज्बातों एहसासात का इजहार है जिसकी कशिश और खूबसूरती के बायस आदम उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। और आर्ट की तारीख तो शायद इस दुनिया की तख्लीक से भी पुरानी है। आर्ट की अगर हम तारीख की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न हिस्टोरियंस आर्ट 2.5 मिलियन ईयर्स अगो पैलियोलिथिक एरा, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, वहां से इसका आगाज हुआ, जिसको हम केवमैन एरा भी कह सकते हैं। होता क्या था कि जो केवमैन होते थे, जब वो बायर हंटिंग के लिए जाते थे या जब वो अपने घर में उनको कुछ इन्फॉर्म करना होता था अपनी फैमिली को, सो दे यूज टू कम्युनिकेट थ्रू ड्राइंग्स। वो ड्रॉ करते थे कि हम शिकार पे जा रहे हैं, तो वो एनिमल को ड्रॉ कर लेंगे, फिर इस तरह वो अपने आपको नरेट करते थे अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। सो उससे हम आगे आ जाते हैं, तकरीबन आज से 600-700 साल पहले की हम बात कर लेते हैं, तो 1400 AD में जो है ना क्लासिकल आर्ट का एज स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्लासिकल एरा, क्लासिकल एज कहते हैं आर्ट की। उसके अंदर एंशंट और मेडिवल एरा आ गया आपका, उसके बाद आपका रेनेसां आ गया, उसके बाद आपका बरोक एंड रोकोको पीरियड आ गया, उसके बाद आपकी आर्ट के अंदर रेवोल्यूशन आ गई और उसके बाद आपका मॉडर्न एरा और कंटेम्प्रेरी एरा, जो कि अभी हम 21st century की बात करें एज वी स्पीक। वक्त गुजरने के साथ हर शय एक इर्तकाई अमल से गुजरती है, इसी तरह फन भी वक्त गुजरने के साथ अपनी नई हालतों में मुतारिफ होता गया, हत्ता के फन के अंदर ही चीजों की तकसीम वाजे होती चली गई, जैसा कि फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह, जो कि वक्त के साथ मजीद मुनकसिम होते चले गए। रिवायती फन फन की एक ऐसी किस्म है जिसमें इंसान अपने जिस्म को इस्तेमाल में लाते हुए फनपारों को मादी सूरत में जन्म देता है। रिवायती फन में तख्लीकी अमल ज्यादा तेज और मशहूर कुन होता है, क्योंकि इसमें बनने वाली हर एक लकीर और लगने वाले हर एक रंग की खुशबू और एहसास का ताल्लुक फनकार की रूह के साथ होता है, क्योंकि हैंडमेड काम है। आर्टिस्ट जब अपने तखयल में पहले सोचता है कलर्स को, जो भी माइंड होता है उसके जहन में, तो वो फिर वो कैनवस पर मुंतकिल करता है ब्रश से, हाथों से वो अपना फन जो है वो दिखाता है आर्टिस्ट। फन को जन्म देने में मुशाहिदे का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुशाहिदा तो बेहद ज़रूरी है, मुशाहिदे से ही आपको चीज़ों की समझ आती है, आपको पता चलता है कि आप किस जगह रह रहे हैं और उस जगह की, उस जगह के क्या चैलेंजेस हैं, उस ज़मीन पे जहां आप रह रहे हैं हज़ारों साल पहले क्या गुज़र चुका है, इस वक्त क्या गुज़र रहा है। तो मुशाहिदा जो है वो आर्टिस्ट, मुशाहिदे के बगैर आर्टिस्ट बन नहीं सकता। जदीद दौर के पेशे नज़र जहां हर एक शोबे ने खुद को जिद्दत के दायरे में शामिल किया, वहीं फन ने भी खुद को एक नए दौर में ढाला जो कि डिजिटल आर्ट की सूरत में सामने आया। डिजिटल आर्ट दरअसल अपने तख्लीकी अमल को कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिजिटल अंदाज में प्रोसेस करके फनपारों की तख्लीक है, जिसमें इंसानी जिस्म अपना किरदार तो अदा कर रहा होता है मगर ताजगी और चौकन्नापन रिवायती फन के मुकाबले जरा सा कम होता है, बाकी तमाम अमल स्क्रीन और मशीन पर किया जाता है। गो के फन की हर किस्म की अपनी ही एक अहमियत है, मगर रिवायती और डिजिटल आर्ट का तकाबली जायजा वक्त की एक अहम जरूरत है। मीडियम होते हैं डिफरेंट किस्म के, आपके इजहार के आप कह लें कि टूल्स होते हैं,
तो डिजिटल आप कह लें कि एक चीज़ है जो कि आ गई है एक और उसका हम बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखिए, आर्ट चूँकि इजहार का ज़रिया है तो हर दौर में जो ज़राए मैसर होते हैं वही बाज़ार रेलेवेंट लगते हैं, लेकिन ऑथेंटिक आर्ट जो है वो आर्ट का असल ताल्लुक़ जो है कंटेंट से है, उसका टूल से कोई इतना ज़्यादा टूल पे दारोमदार रहता है, लेकिन टूल डिटरमिन नहीं करता है कि आर्ट क्या है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि डिजिटल और रिवायती आर्ट ने एक दूसरे को किस तरह असरअंदाज किया है। डिजिटल आर्ट के आने से मेरे काम में कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो आर्ट के कदरदान हैं, आर्ट को समझते हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में हैंडमेड स्केच, हैंडमेड पोर्ट्रेट वो आर्ट के हवाले से वो लगाएंगे। डिजिटल आर्ट आने से जो ओरिजिनल काम करने वाला आर्टिस्ट है ना, उसको फ़र्क पड़ा है। एक पेंटिंग मेहनत करके वो बनाता है, 15-20 दिन लगाता है, तो वो अगर 30-40 हज़ार की पेंटिंग है वो, तो डिजिटल आर्ट में तो वो 4-5 हज़ार की सेल होगी। डिजिटल में तख्लीकियत की मौजूदगी रिवायती के मुकाबले कम होती है या नहीं? मेरे ख्याल में जी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तो जो रिवायती अंदाज है या जो आप कह लेंगे बुनियादी आर्ट है, उसी से आप फिर आगे चल के फिर डिजिटल आर्ट की तरफ भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक्सप्लोरेशन है इंसान की कि वो और तरीक़े ढूंढता है कि अपने आप को किस तरह वो एक्सप्रेस करे। जो मुस्तनद आर्टिस्ट होता है उसको अपने ज़माने का पता होता है, वो आगाह होता है, उसकी उसको क्लैरिटी मिली होती है, वो चीज़ों के बारे में एक बड़ी गहरी नज़र रखता है, तो चाहे वो रवायती अंदाज में काम करे या डिजिटल अंदाज में काम करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिजिटल आर्टिस्ट जो है वो पुराने आर्टिस्टों से कम नहीं है, उनके मतलब असल में तो सोच है ना, जितनी क्लैरिटी जिस शख्स को हासिल होगी उतना ही उसका काम अच्छा होगा, चाहे वो डिजिटल कर रहा हो या दूसरा कर रहा हो। फन की हर एक किस्म खुद में एक पैगाम, एहसास और जज्बा लिए हुए होती है, जिसकी खूबसूरती और पैगाम ही उसका मुंह बोलता सबूत होते हैं। मुख्तलिफ माहरीन की रिवायती और डिजिटल आर्ट के बारे में अपनी ही एक राय है। कैनवस से कंप्यूटर स्क्रीन तक के सफ़र में मैं ये कहूँगा कि मैं फास्ट हो गया, वक्त की भी डिमांड थी, और वैसे भी कहाँ एक चीज़ 5 घंटे में, 5 दिन में तैयार होती थी, और अब वो 5 घंटे में तैयार होती। मैं असल में आर्ट को एक बहुत तेज़ किस्म की तलवार समझता हूँ, और अगर उसका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल हो तो वही तलवार आपकी अपनी गर्दन भी काट सकती। ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि डिजिटल आर्ट रवायती आर्ट का मुकम्मल तौर पे मतबादल बन के सामने आ चुका है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप रवायती आर्ट को टच के बगैर डिजिटल आर्ट में बहुत कामयाब हो जाते। फन का ताल्लुक सकाफत से तो होता ही है, मगर इसका ताल्लुक रिवायात को किस कदर खुद में समोए होता है। असल में जी मुझे लगता है कि हर चीज में, चाहे वो कोई भी रिवायत हो, वो आर्ट हो, वो हमारा आर्किटेक्चर हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे लगता है कि हमें अपनी जड़ों से, अपनी रिवायत से जुड़ के उसको सीख के फिर आगे चल के उसको हमें इवॉल्व करना चाहिए एक ऐसी शक्ल में कि वो जिसे हम कह सकें कि भाई ये अब मेरा ये ख्याल है, मेरा ये इजहार है आर्ट का, और मैं अब ये कर रहा हूँ आर्ट। वो मुसन्निफ़ हैं जो अल्फाज रकम करते हैं, हम मुसव्विर हैं जो जज्बात कलम करते हैं, हर्फ करतास पे रखते हैं सितारों की तरह, उनमें एहसास के हर रंग को जम करते हैं, हम तो रंगों की भी तौकीर बढ़ा देते हैं, जो कोई कर नहीं सकता है वो हम करते हैं।